Assalamu alaikum, I'm Dr. Uzma. I will teach you the general anatomy. First of all, I welcome you all to the PMC. We will meet inshallah after 1 month face to face. Then you all will be in the campus. हमने डिसाइड किया है कि हम आपको थोड़ा थोड़ा जो घर बैठे आपको थोड़ा सा टीच कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में बता दें जिसके लिए आपको ऑन कैंपस होना ज़रूरी नहीं है. लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब अपनी बुक्स खरीदो, खरीद भी चुके होंगे, और जो टॉपिक आपका चल रहा है काइंडली उसको गो थ्रू ज़रूर करो. जैसे आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी बताऊँगी कि व्हाट इज़ एनाटॉमी और हम इसको क्यों पढ़ेंगे और इसकी आगे, क्योंकि ये जितना नॉलेज आपका बेसिकली आपने जो डॉक्टर आप बनने जा रहे हो तो जस्ट ये जो सारा आपने आगे फाइनल ईयर तक लेके जाना है तो बेसिकली बेस करता है एनाटॉमी के ऊपर. आप आगे जाओगे, आप सिस्टम्स पढ़ोगे, उससे रिलेटेड डिजीजेस पढ़ोगे, तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होगा कि ह्यूमन बॉडी कैसी है, कैसे ऑर्गेनाइज है, इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे पड़े हुए हैं, तब तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी बेसिस, जो आपकी जो बेसिक साइंसेज हैं, अपनी बेस स्ट्रांग बनानी. तो जो टॉपिक आपका शुरू होगा, आज जो भी टॉपिक चलेगा, आपने जब आपकी क्लास ख़त्म होगी उसके बाद जो है आपने इस टॉपिक को गो थ्रू ज़रूर करना है. इस तरह ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इन सारे लेक्चर्स का. दूसरी बात ये कि आपको डॉक्टर हनीफ की तरफ से बुक की तो लिस्ट आ गई होगी, तो जैसे उन्होंने आपको बताया होगा कि जनरल एनाटॉमी आपने कहाँ से पढ़नी है. कॉलेज में दो जनरल एनाटॉमी, हमारे कॉलेज में दो जनरल एनाटॉमी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं. उसमें एक जनरल एनाटॉमी है बाय डॉक्टर लाइकसन और दूसरी जो बुक है वो जनरल एनाटॉमी है वो फ्रॉम बीडी चौरसिया. बीडी चौरसिया आप लोगों ने वैसे ग्रॉस के लिए भी खरीदनी है, उसके साथ आप लोग बीडी चौरसिया लोगे फॉर जनरल एनाटॉमी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी. एनाटॉमी है क्या? ठीक है, तो व्हाट इज एनाटॉमी, हम किस तरह से स्टडी करेंगे थ्रू आउट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. होप सो एनाटॉमी का थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि एनाटॉमी हम किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से लेके जाएंगे. एनाटॉमी की बुक्स आपको बता दी है, मैं सर ने आपको अपलोड की है बुक की एक लिस्ट भेजी है. तो अगर मैं आपको अपनी जनरल, चूँकि मैंने आपके साथ डील करना है जनरल एनाटॉमी को लेके, तो जनरल एनाटॉमी के लिए मैंने आपको दो बुक स्टार्ट में ही बता दी थी. तो होप्सो आप लोगों ने ले ली होंगी, और अगर नहीं ली तो आप उसको परचेज करो और उसके बाद जो है वो हम इसको लेके जाएंगे. तो ये पता चल गया कि सर्टन जो जनरल टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ करोगे, सबसे पहले वो आपसे कहते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी. रेफरेंस है फर्दर स्टडी के लिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन क्या थी. फिर व्हाट इज फ्लेक्शन, मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो साइड है दैट इज वेंट्रल साइड सर्फेस है. वेन टू वेंट्रल सर्फेसिस approximate each other, ventral surface of forearm, ventral surface of arm. जब हम इस लेवल पे एल्बो के लेवल पे बेंड करते हैं तो ये दो वेंट्रल सर्फेसिस एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट करेंगी, दिस इज नॉन एज फ्लेक्शन. यही वाले आर्म, अगर हम आर्म की ये जो वेंट्रल साइड है ये ट्रंक की तरफ आएगी, सो दैट फॉर द फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, तो यहाँ पे ये भी फ्लेक्शन है. एंगल, अगर वेंट्रल सर्फेसिस के दरमियान एंगल डिक्रीज हो रहा है, वेंट्रल सर्फेसिस एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट कर रही हैं, या एंगल बिटवीन द जॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम नाम देंगे फ्लेक्शन. जब टू वेंट्रल सर्फेसिस अप्रोक्सीमेट करेंगी तो फ्लेक्शन होगी, लेकिन जब टू वेंट्रल सर्फेसिस अवे फ्रॉम द ईच अदर होंगी तो दैट विल बी उसका रिस्ट हो, फिंगर्स के ज्वाइंट हो. लेकिन
यहाँ पे जब हम फुट पे आ जाएंगे तो फुट की मूवमेंट के लिए हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कहेंगे. फ्लेक्शन एट एंकल जॉइंट व्हेन वॉकिंग अप हिल, ठीक है, दैट इज नोन एज डॉर्सी फ्लेक्शन. प्लांटर फ्लेक्शन, टर्न द फुट और टोज टूवर्ड द प्लांटर सरफेस व्हेन स्टैंडिंग ऑन योर टोज, जब आप अपनी टोज पे खड़े होते हो, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट हो रही होती है दैट इज नोन एज प्लांटर फ्लेक्शन. तो फुट की मूवमेंट के लिए हम यहाँ दो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, वो कौन कौन सी होंगी, डॉर्सी फ्लेक्शन की होगी और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए. अदरवाइज बाकी सारे जॉइंट्स के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, फ्लेक्शन. एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी कि अगर एक्सटेंशन क्या होती है, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बोन और व्हेन टू वेंट्रल सरफेस अपोजिट ईच अदर, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन. तो ये सारी जनरल टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं, कुछ आजकल आप पढ़ोगे, ये जो आपके आज से लेक्चर शुरू होगी उसमें भी आपने जनरल टर्मिनोलॉजीज ही पढ़नी है. तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं अपना नया टॉपिक कंटिन्यू करूँगी आपके साथ. तो जहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, काइंडली आप अपनी बुक्स खोलना आज, अगर ले ली हुई है तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू जरूर कर देना. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.